दोस्तों नमस्कार। शेखावाटी रीजन को जयपुर के लिए कुछ और ट्रेनें मिलने वाली हैं। कल उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक सीकर और झुंझुनू ट्रैक पर वार्षिक निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने सीकर से लोहारू के बीच में निरीक्षण किया, तब नागरिकों के पूछे जाने पर उन्होंने ये बताया कि जयपुर के लिए कुछ और ट्रेनें चलाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें एक ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से जयपुर के बीच चलने वाली त्रिसाप्ताहिक ट्रेन को दैनिक किया जाएगा। दूसरी ट्रेन डेमू ट्रेन चलेगी लोहारू जंक्शन से जयपुर जंक्शन के बीच में, जो कि लोहारू जंक्शन से 4:30 पर रवाना होकर जयपुर पहुंचेगी। साथ ही एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने का भी प्लान उनके द्वारा बताया गया। इसके साथ उन्होंने बताया कि मुंबई से जयपुर के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस का विस्तार भी झुंझुनू लोहारू के रास्ते हिसार से किया जाएगा और रामेश्वरम से अजमेर के बीच चलने वाली हम सफ़र एक्सप्रेस को भी हिसार तक विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने यह बताया कि चूरू से सीकर के रास्ते जयपुर जाने वाली ट्रेन के टाइमिंग में भी परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि यह ट्रेन रात करीब 11:30 के आसपास चूरू पहुंचती है, जिस समय इसको न तो सवारी मिलती है और न ही इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। और सीकर से लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर पहले यह ट्रेन 6:30 रवाना होती थी, अब 9:00 आती है, तो टाइमिंग बदले जाने से यात्रियों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी है।